तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इस ची प्लेयर वन मैट की अनबॉक्सिंग की थी। मतलब अनबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते, मैंने सिर्फ इसको इस डिब्बे से बाहर निकाला था। तो अब मैं इसकी पूरी अनबॉक्सिंग और इसका लुक दिखाने वाला हूँ कि कैसा होने वाला है क्यों। तो चलिए इसको निकालते हैं। यह निकाल दिया, काफ़ी अच्छा सा बॉक्स है इसका। बॉक्स तो नहीं कह सकते, पाउच है इसका, काफ़ी अच्छा है। और इसमें ये भी है लैशेज, हल्के मेरे पास जो चीट टाइम है उसके साथ भी आए थे, लेकिन एक्स्ट्रा मिल गए। अगर टूट जाएंगे तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका, पीछे से देखो तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टिकी है। मतलब इस पर कोई क्यों फिसलेगा नहीं। नाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, मैं बता नहीं सकता आपको इसकी फील गुड कितना अच्छा लग रहा है। लिटरली इसने मेरा पूरा फ्रेम घेर लिया है। और इसकी थिकनेस करीबन 3 mm है, जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। इसका मटेरियल जो है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर GE टॉयज लिखा है, यहाँ पर MOVE 1G लिखा है। और अच्छा है मैट वैसे, पीछे से दिखते इसे, इसे मैं अपने वीडियोस के बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। उल्टा ऐसे अच्छा बैकग्राउंड होगा, जैसे मैंने एक बार तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं मैट ऑर्डर कर रहा था तो मैं क्यूब लेवल पे पहले डिस्कवरी मैट ऑर्डर करने वाला था, जिसमें एक क्यूब सा फेस का एक लड़का सा होता है, मतलब वो पहाड़ पे चढ़ता रहता है। वो मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन उस टाइम पे सारे जो कि क्यूब लेवल के मैट थे वो सारे सोल्ड आउट थे। और ये उस टाइम दिवाली की सेल भी चल रही थी 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को। तो मैंने जल्दबाजी में ची का मैट ऑर्डर कर दिया। ये थोड़ा महंगा भी पड़ा मुझे, उससे ये 150 रुपये महंगा है, पर लेकिन उससे थोड़ा साइज़ बड़ा है इसका, लेकिन मुझे तो वर्थ लग रहा है वैसे। और बाकी मैं इसका रिव्यू करके बता दूंगा, लेकिन मैं इसमें अभी लैशेस फिट करता हूँ। मैं स्क्रू ड्राइवर और अपना टाइमर लेके आता हूँ। तो ये लिया हुआ मैं अपना टाइमर, ची टाइमर। तो अब इसको खोलते हैं और इसको फिट करते हैं। यार लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पर ये मुझसे नहीं लग रही, तो मैं इसका ट्यूटोरियल देखूंगा फिर जाके इन्हें लगाऊंगा। अभी ये RS3 है बाय द वे, पूरा ऐसा प्रोफेशनल वाली लुक आ रही भाई। यूजुअली मैं सब 15 हूँ वैसे तो, पर ये काफ़ी अच्छा टाइम है मेरे लिए पहला साल तो।